प्रेस मीडिया के लोग हैं, सबका इस दफ्तर में स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि मैं पार्षद महोदय भी साथ हैं, उनका भी यहाँ आज पीसी पहली पीसी हो रही है इस दफ्तर में। आप सबका स्वागत भी है, आभार भी है। मैंने आज इस पीसी बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, आजकल शहर के अंदर एक बड़ी चर्चा चल रही है कि हम रेडी वालों के खिलाफ हैं, या रेडी वालों के मन में ये आ रहा है कि हमें यहाँ से उजाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव दो चीज़ें होती हैं। हम सबको बसाने का काम कर रहे हैं और उनको एक परमानेंट जगह देने का काम कर रहे हैं कि जिससे उनको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए। अभी हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं से समस्याएं क्या आ रही हैं, कोई उनको रेडी फड़ी वाले को पुलिस वाला आकर के बोलेगा यहाँ से हटाओ, कोई दुकानदार कहेगा यहाँ से हटाओ, कोई कार मोटरसाइकिल वाला कहेगा हटाओ, या हमारे निगम के कर्मचारी और अधिकारी कहेंगे यहाँ से इसको हटाओ, इसको जगह को खाली करो। और आपके माध्यम से मैं एक स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमने थाने के सामने बनाया, वहां टिक्की चाट गोलगप्पे की रेहड़ियां हम शिफ्ट करने वाले नहीं हैं, ना ही हमारी कोई भविष्य में प्लानिंग है, ना फ्रूट और ना सब्जी। लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है कि वहां टिक्की चाट जाएगी, गोलगप्पे जाएंगे, या वहां सब्जी और फल का काम रेहड़ियां लगेंगे। वहां ये रेहड़ियां लगने वाली नहीं है। हम सब जगह का जो खाने पीने वाले लोग हैं, अलग अलग व्यवस्था करने का काम करने लग रहे हैं। अभी हमने केवल थाने के सामने जो वेंडिंग जोन बनाया, वहां पर जो हमारा नॉनवेज का बहुत बड़ी मात्रा में यमुनानगर के अंदर काम होता है, या वो वैन पे बैठ करके कोई चावल छोले बेचता है, कढ़ी चावल बेचता है, राजमा चावल बेचता है, या रोटी सब्जी बेचता है, उनको भी हमने वहां शिफ्ट करने का काम किया कि जो एक खाने पीने वाला काम है, एक बहुत बड़ा वहां पार्किंग भी है, खुले वातावरण में आप अपना खाने पीने का काम भी करो, जो आपको मनपसंद आपका भोजन है वो करो, ये व्यवस्था हमने वहां करने का काम किया। ऐसे ही मैं हम जगाधरी भी करने लग रहे हैं, जगाधरी भी हमारी जो नॉन वेज की रेहड़ियां 63 रेहड़ीज हैं, अगर 63 रेहड़ियां हम एक जगह शिफ्ट करेंगे, उनके लिए एक फूड कोर्ट बनाएंगे। फूड कोर्ट में से मैं चीजें माइनस कर रहा हूँ, फूड कोर्ट में देखिए सारा कुछ आता है, टिक्की भी आती है, चाट भी आता है, समोसे भी आते हैं, सारा कुछ आता है। उसमें से मैं माइनस करके कह रहा हूँ कि जो 63 हमारी जगाधरी में ऐसी रेहड़ी हैं, उनको भी हम एक स्थान पे चिन्हित करके शिफ्ट करने का काम, उनको बसाने का काम करने लग रहे हैं। नहीं तो हो क्या रहा है, जहां रेहड़ियां लग रही हैं, हमारे संज्ञान में ऐसा भी आ रहा है, उनसे लोग पैसे लेते हैं सड़क पर खड़ी करने का। अगर किसी के आगे खड़ी होती है तो उस सड़क कॉरपोरेशन की है या B&R की है, लोग धमका करके डरा करके वहां पैसे लेने का भी काम कर रहे हैं। आप जा सकते हैं थाने के सामने जो हमारा वेंडिंग जोन है, एक महिला वो वहां पे खाना बनाने का काम करती, खाना बेचने का काम करती थी, और उसके पति हैं वहां। हमने इनके साथ साथ 8-10 स्टॉल जो बाहर कपड़े के थे वो भी हमने लगाने का काम किया, क्योंकि हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में जगह थी। वो मेरे को कहने लगी कि सर हमें तो 14,000 पे कमाई हमारी पहले दिन से स्टार्ट होगी, क्योंकि 14,000 महीना वो पीछे जो लोग थे वो हमसे लेते थे और सड़क इस्तेमाल करने के लिए। भाई हम सड़क पे बैठे और 14,000 रुपये महीना हमारा कपड़े की रेडी और खाने की रेडी थी, लगाने का काम करते थे, इससे कि वो हमारे 14,000 बच गए। वो कोई लोग बहुत दुआएं देने का काम कर रहे हैं। अगर आज अभी आप यहाँ से जाएंगे तो आप जाकर के देखना, जो हमने फूलों के लिए एक मार्केट बनाने का काम किया, वहां पे भी हमारे जो फूल विक्रेता भाई हैं सारे के सारे वहां शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। अभी मेरे पास की वीडियो आई, वहाँ 3 या 4 लोग सुबह ही उन्होंने 8 बजे आज शिफ्ट कर लिया था, बाकी भी होंगे। हम एक बहुत सुंदर वातावरण देने वाले हैं। आपको लगेगा थोड़े दिन के बाद कि शहर के अंदर जो एक इतना भीड़ भड़ाका वाला एरिया था वो ठीक हो रहा है, और जो हमारे वेंडर जो भाई हैं इनको भी लगेगा कि हमें एक निश्चित स्थान मिल गया, हम यहाँ सुरक्षित हैं, वहाँ किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। जो लाइट है, शौचालय है, सड़क है, आप अगर आज देखेंगे तो पूरी एकदम वार लेवल पे टाइल लगाने का काम थाने के आसपास का काम चल रहा है। ऐसे ही हम जगाधरी, आप एक आधुनिक स्ट्रीट वेंडिंग जोन, मैं कल दोनों कमिश्नर साहब गए थे, जानकी किसी को बताया नहीं, कमिश्नर साहब कह रहे कि हरियाणा के अंदर ऐसा वेंडिंग जोन मैंने पहली बार देखा है। वो कुरुक्षेत्र भी एज ए DC रह करके आए, एज ए DC सरसा भी रह करके आए, उन्होंने वो देखा कि ऐसे ही उन्होंने यहाँ करके बताया कि ऐसा काम ये जोन बनने लग रहा है। और जगाधरी के अंदर भी जो हम स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाए हैं, लगभग 400 रेडी हैं वहाँ लगने वाली हैं, और हल्का फुल्का नॉमिनल चार्जेज वहाँ कॉरपोरेशन रखने वाली है। कहाँ तो व्यक्ति एक सिविल लाइन पे कोई किसी के घर के बाहर 5 रेडियां लग रही हैं, मैं नाम भी बता दूंगा, वो 250 रुपये पर रेडी से लेता है पर डे के हिसाब से।
अगर जिसके 250 रुपये पर डे के हिसाब से चलेगा तो 75 रुपये रेहड़ी सड़क पे लग रही है और 5 रेहड़ियां लग रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा उसमें 37,500 बनते हैं सड़क कॉरपोरेशन की यूज करके, और जनता को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप पार्किंग नहीं है, कोई मोटरसाइकिल खड़ी नहीं कर सकता, कोई कार नहीं खड़ी कर सकता। ऐसे हम जो हमारा टिक्की चाट इस तरह का है वो उसके लिए हम चिन्हित जगह करने लग रहे हैं। हमने कई बड़े शहरों में भी देखा है, वहाँ कहीं तो बाउल मार्केट है जिसके अंदर टिक्की चाट, चाउमीन, बर्गर इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं, जो हमारी बहनें जाती हैं सामान लेने के लिए बाजार में, उनको एक उपयुक्त स्थान ऐसा देने वाले हैं। तो कहीं किसी भी तरह की वेंडिंग जोन वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को हम शिफ्टिंग कर रहे हैं बसाने के लिए, अच्छा स्थान देने के लिए। और अभी हम बहुत जल्द हमारे जो सड़कों पे, चाहे बागड़ी लोहार बैठे हैं, चाहे हमारे दूसरे जो लोग जो भी झोपड़पट्टी वाले बैठे हैं, उनको भी हम उपयुक्त स्थान पे शिफ्ट करने वाले हैं, जिससे कि आप हमारा शहर एकदम नीट एंड क्लीन हो। आप पांडे जी वेलकम। पांडे जी, हम ये सारा काम करने वाले हैं जिससे कि शहर भी नीट एंड क्लीन हो। हम सारी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से देने वाले हैं। और मेरा भी सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है, अगर आपको कहीं लगता है कि कॉरपोरेशन को ये करना चाहिए, आपके सुझाव भी हमें आमंत्रित हैं। आप निसंकोच मुझे कभी फोन कर सकते हैं, हमारे यहाँ पार्षद बैठे हैं 4-5, इनको कभी फोन कर सकते हैं, हमारी कमियां आप बता सकते हैं। और जब अगर आप लगता है कि हम कोई थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे आप हमें प्रमोशन हमारी करें कॉरपोरेशन की। और हम ये काम करने वाले हैं, हम बसाने का काम करेंगे, उजाड़ने का काम ना मेरी सोच है, ना हमारे किसी पार्षद की सोच है, ना हमारे किसी कॉरपोरेशन के व्यक्ति की सोच है। कोई आपका क्वेश्चन अगर है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं टिक्की और बोलो पे और ये फ्रूट वाले सर, तो ये कहाँ शिफ्ट होंगे? अभी देखिए हमने इसके लिए स्थान चिन्हित नहीं किया, अभी हम उनको डिस्टर्ब करने वाले नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हमारी जो प्लानिंग है, खासकर जब्बी वाला गुरुद्वारा के आसपास ये जो मॉडल टाउन वाला है टिक्की चाट गोलगप्पे वाला, ये करेंगे। जो बाजार वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम जो टिक्की चाट गोलगप्पे वाले हैं, जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी उनको भी वहां निश्चित स्थान देने का काम। पार्किंग की बड़ी दिक्कत आ रही है बाजार में, ये हम सारा काम पार्किंग की वजह से कर रहे हैं। सर, आप देखिए जब से ये नॉन वेज की रेडी शिफ्ट हुई है, पार्किंग की व्यवस्था सुधरी है, और आने वाले समय में हमारी प्लानिंग चल रही है, कोई जगह भी देख रहे हैं पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का काम। या सर देखो कोहली साहब, वो तो हमें गाड़ी वालों को भी सोचना पड़ेगा ना, उस बारे में क्या किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस से बात हुई।